हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विथ एसके। तो आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से एक या दो जरूर ही एग्जाम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। तो जो ओलंपिक 2020 जो खेल का आयोजन होना था वो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो वो जो है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके शुभंकर कौन थे। तो शुभंकर थे मिरेन तोवा। तो शुभंकर कौन था, मिरेन तोवा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो कहाँ पे शुरू की जाएगी। 2020 का जो है वो टोक्यो में हुआ था और जो 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग इससे पहले का देख लेते हैं कि जो इससे पिछले टोक्यो ओलंपिक से जो पिछले उससे पहले वाला जो था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो वो जो आयोजित किया गया था वो रियो में आयोजित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में 119 एथलीट्स ने भाग लिया था। तो कितने भाग लिए थे, 119 ने। नेक्स्ट है ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन कौन थे। तो एक मैरी कॉम और एक मनप्रीत सिंह थे। फ्लैग बैरियर मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन थे, बजरंग पूनिया थे। ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे और क्लोज सेरेमनी में फ्लैग बैरियर बजरंग पूनिया थे। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत ने इस ओलंपिक में टोटल 7 मेडल जीते थे। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे जो गोल्ड मेडल मिला था वो 1 मिला था, ब्रॉन्ज मेडल 4 मिला था और सिल्वर मेडल 2 मिला था। तो टोटल जीते कितने थे, 7 मेडल, जिसमें से गोल्ड मेडल जो था आपका 1 था, ब्रॉन्ज मेडल 4 था और सिल्वर मेडल जो था वो 2 था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंडिया 7 गोल्ड मेडल के साथ जो है वो 48वें स्थान पर रहा। तो इंडिया जो था वो 48वें स्थान पर था। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन था। तो जो फर्स्ट था वो यूनाइटेड स्टेट था और ये 113 मेडल के साथ था। नेक्स्ट जो सेकंड था वो चाइना था जो कि 88 के साथ था और थर्ड जो था वो जापान था जो कि 58 के साथ था। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसलर जो बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था। तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता था। तो सबसे पहला मेडल जो था वो मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे है नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध था वो जेवलिन थ्रो भाला फेंक से था और इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और इनका जो है सेकंड स्वर्ण पदक है। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीराबाई जो चानू थे किस खेल से संबंधित है। तो वो जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई मेडल हासिल किया था। तो ये जो है 41 साल बाद मेडल हासिल किए थे। इन्होंने 1980 में मेडल हासिल किया था और उसके बाद 41 साल बाद इन्होंने हॉकी में मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे अब पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया ने कितने केजी वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। तो इन्होंने 65 केजी वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है, अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्ति
स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जो थे नीरज चोपड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो रवि कुमार दहिया का जो संबंध है वो रेसलिंग से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ये जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे वो मार्सेल जैकोबस ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये जो आयोजन हुआ था 1896 में हुआ था। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार आयोजन ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक भी बार ओलंपिक का जो है आयोजन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो वो जो 5 छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो जो शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक 1900 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग किस वर्ष लिया था? तो ये जो है एमस्टर्डम ओलंपिक 1988 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये जो थी ये थी पीटी उषा उससे आए है जो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपस से आया है जो नाम है, तो ओलंपस किसका नाम है? एक पर्वत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो ये 1928 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे 2024 में जो समर ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित हैं गोल्फ से। जो अदिति अशोक हैं वो गोल्फ से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाच। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो ये हैं रानी रामपाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टोक्यो ओलंपिक से जो मैंने करवा दिया। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग को देखना हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।